अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तारीख आ रही है जी 16 मई 2024। पेपर है उस दिन हाई लॉटरी वीआईपी टिकट्स, थाईलैंड का पेपर है दोस्तों, हाई लॉटरी वीआईपी टिकट्स। 25 जुआ कानूनन जुर्म है, इसलिए इन नंबर्स के प्राइस बॉन्ड लॉटरी टिकट खरीद कर अपने मुल्क की मईशत को मजबूत करें। वीडियो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। चलते हैं गेम की तरफ, अल्लाह पाक खैर करेगा, सबका भला सबकी खैर। तो शुरू करते हैं जी, 08 80 7447, 08 80 7447, 08 के साथ ये सेंटर है 0, तो ये बन गया जी 080 और 800, यानी 080 और 80। इसके बाद ये 74 है, उसके साथ सेंटर है जी हमारे पास 6, तो ये पैकेट बन गया जी 746 और 476, यानी 74 6 और 47 6। इसके बाद है जी 24 42 30 और 03, 24 42 30 और 03, सेंटर है जिनके साथ 24 के साथ है जी 1 और 30 के साथ है जी 9। तो ये बन गया जी 241 और 421, 309 और 039, यानी 24 1 42 1 30 9 और 039। इसके बाद दोस्तों 15 51 99 और 69, फिफ्टीन के साथ सेंटर है हमारे पास जी 7, ये होगा जी 157 और 517, यानी 15 7 और 51 7। 99 के साथ है जी हमारे पास 6, तो ये बन गया जी 996 और 696, यानी 99 6 और 69 6, 15 7 51 7 99 6 और 69 6। इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह पाक खैर करेगा, सबका भला सबकी खैर। इसके बाद है जी हमारे पास 13 31 46 और 64, 13 31 46 64, सेंटर है जिनके साथ 13 के साथ है जी हमारे पास 9,
ये बन गया 139 और 319, यानी 13-9 और 31-9। इसके बाद है जी 46 और 64, इसके साथ सेंटर है जी 4। ये बन गया 464 और 644, यानी 46-4 और 64-4। उसके बाद जी 59, 96 और 66, यानी 66, 59, 95, 96 and 66। सेंटर है जिनके साथ 4, ये हो गया 594 और 954, यानी 59, 4 और 95, 4। एंड फाइनली 96 के साथ हमारे पास है जी 9 और 66 के साथ भी 9, तो ये बन गया जी 969 और 669, यानी 96, 9 और 66, 9। पर्ची जुआ 200 कानूनन जुर्म है, इसलिए इन नंबर्स के प्राइस बॉन्ड लॉटरी टिकट खरीदकर मुल्क की मीशत को मजबूत करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स कर दिया करें। पेपर है हमारा थाईलैंड का, थाई लॉटरी वीआईपी टिप्स। एंड फाइनली (09) 90 56 65 09 90 56 65, सेंटर है जिसके साथ 3, 90 के साथ ये बन गया जी 093 and 903, यानी 93 और 93। इसके बाद है जी 56 और 65, सेंटर है जिनके साथ भी 9, तो ये बन गया 569 और 659, यानी 56, 9 और 65, 9। अल्लाह पाक सबकी हाजतें पूरी करे और सबके मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाए जी। सबका भला सबकी खैर, कर भला सो हो भला, अंत भले का भला दोस्तों। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम।